Hello guys, welcome to my channel. And in this series, in the ongoing series of the videos that are coming, तो आज का जो टॉपिक है जो आपने पढ़ा, why I quit Byju's a well paid job, और इस पॉइंट पे आके जहाँ पे मतलब मेरे पास कोई लिटरली बैकअप नहीं है, कोई ऐसा मैंने साइड हसल अभी तक इतना एक्टिव नहीं है जिसपे मैं इतना रिलाई कर सकूँ, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं है. तो क्या मेरे प्लान्स हैं, क्या मैंने सीखा अभी जो इतना मैंने टाइम बिताया बायजूस में, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 2.5 ईयर. तो मार्च 2020 में मैंने ज्वाइन किया था और अभी मैंने आगे छोड़ा है, दिस इज अक्टूबर. तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट लाइक विदिन 4-5 मंथ्स 3 साल पूरे हो जाते. तो कोई मुझे वो नहीं था कि मुझे 3 साल पूरा करना ही है. पहले मैं वैसे भी इधर उधर कर रहा था, बट क्या चीज़ें हुई बायजूस में, क्यों मैंने छोड़ दिया, वो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ. तो विदाउट फर्दर एडियो, लेट्स गेट स्टार्ट. ऑलराइट गाइस, सो मैंने जब ज्वाइन किया था बायजूस मार्च 2020 में, तो 9th मार्च था जब मैंने ज्वाइन किया था बायजूस. और उसके बाद अब जो है, जो टाइम चल रहा है, जब मैंने ज्वाइन किया था पेंडेमिक एकदम स्टार्ट हुआ था. पेंडेमिक वॉज द रीज़न कि जितने लोगों को जॉब में था वो स्टेबल रहा, क्योंकि वो टाइम हाई टाइम था, बहुत लोग जॉब गंवा रहे थे. उन वर्सेज हम लोग का था वो ज़्यादा सिक्योर हो गई. बायजू स्टार्टेड हायरिंग पीपल ऑन मास स्केल, लाइक दे स्टार्टेड हायरिंग पीपल मोर देन दे नीडेड. तो ठीक है, वो एक अच्छी बात थी, दे हायर्ड, इट्स गुड. तो मैं जो डिपार्टमेंट में रहा हूँ वो है मीडिया ब्रांड, जो आप ये सब मैं एग्जैक्ट को नहीं बता सकता कौन डिपार्टमेंट थी उसको मैंने साथ काम किया. तो ये जो आप क्रिएटिव्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इसमें से मैंने कुछ बनाए हैं. एग्जैक्ट मैं नहीं बताऊँगा मैंने कौन सा बताया, क्योंकि जस्ट रिस्पेक्ट सम प्रीवियसेस. सो ये मेरा मतलब बस आप समझ गए ना कि मैं किस डिपार्टमेंट में था, क्या करता था. तो अब इसमें भी बहुत सारे क्रिएटिव ऐसे हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों ने बनाए. इवन इट इज जस्ट नॉट बीइंग टेकन केयर बाय जस्ट वन सिंगल डिपार्टमेंट. यू कैन सी दिस दिस स्टाइल गाय, दिस स्टाइल एंड दिस स्टाइल एंड दिस स्टाइल, दे आर कम्प्लीटली मिसमैच. ओके, तो मैं रहा हूँ ग्राफिक्स में, ब्रांडिंग में. आई हैव बीन वर्किंग एज अ आर्ट डायरेक्टर, तो आई हैव बीन मैनेजिंग अ टीम. तो जब मैंने ज्वाइन किया, मैं ज्वाइनिंग के टाइम का एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. जब मैंने ज्वाइन किया तो जो शॉकिंग पार्ट था वो ये था कि मेरे को एक्सपीरियंस था ऑलमोस्ट लाइक 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस ही है. और जिन लोगों के साथ मेरी ज्वाइनिंग हुई, जो मेरे साथ थे, जो लोग मेरे साथ हायर हुए थे, उसमें से कुछ फ्रेशर्स थे, कुछ फ्रीलांसर्स थे टाइप्स. अब जब मतलब ठीक है, हायरिंग हो गया, तो मुझे ये मेरे लिए इंटायरली न्यू 2020 में इंटायरली न्यू वो था कि मैंने ब्रेक, मेरी सामने से किसी से बात नहीं हुई है, मैं नहीं जानता मेरा मैनेजर कौन है, क्या काम है, किस तरीके का, कुछ नहीं. जस्ट वहाँ से कॉल आया, टेस्ट दिया, वो उनको अच्छा लगा, उसके बाद आप हायर हो गए. तो और मैं उस टाइम गुड़गांव में नौकरी करता था, गुड़गांव से बेंगलोर जाना था. तो मैं 50-50 में था कि अरे सच में हुआ है, ऑफर लेटर मेरे पास है, सब कुछ है, बट स्टिल मैं श्योर नहीं था कि हुआ भी है या नहीं. एंड आई रेज दिस क्वेश्चन इन द इंडक्शन, यार अभी तक मैं ऐसे उसमें था कि ये हुआ है या नहीं. तो ही बोला कि नहीं, ठीक है, तुम्हारा हो गया है, बट यू स्टिल वांट टू श्योर, देन पे मी एट लीस्ट 50,000 दिस मंथ का सैलरी, सो दिस विल बी एज अ वेरिफिकेशन टोकन. ओके, तो शॉकिंग वहाँ पे ये था कि यार पता है, जैसे आप किसी, आप समझ जाते हो, आपके सामने वाला फ्रेशर है, और जब ट्रीटमेंट रूम मिलता है ना, तो यू नो क्या लोगों में सब एक साथ जा रहे हैं, एक साथ किधर भी, ठीक है, यू आर इन डिपार्टमेंट, योर मैनेजर इज दिस, गो टू दैट वे. अब लाइन से लोग जा रहे हैं उस मैनेजर के पास, एंड वी वेंट टू द मैनेजर, वी मीट, हम जिससे मिले ही वो लाइक यार मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, देन ही सेंड इट टू समवन एल्स. वो थोड़ा सा था, बट ठीक है, वो मैनेज हो गया. ये तो था स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस. स्टार्टिंग में जिस तरीके का काम आया था वहाँ पे, ठीक ठीक था, बुरा काम नहीं था, काम अच्छा था, बट काम पीपीटी रिलेटेड ज़्यादा था. अब बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर आपको कोई बोले पीपीटी डिज़ाइन करो, तो यार नॉट एवरीवन इज़ दैट गुड. मैं अच्छा नहीं था, मैं तो साफ मैंने बोला था कि यार पीपीटी आप मुझे अगर पहले बता देते तो शायद मैं ज्वाइन ही नहीं करता. तो वे वर लाइक कि ठीक है, अभी आप स्टार्ट करो, इससे धीरे धीरे चलते हैं, अगर वो नहीं चलेगा देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू.
वो मैंने किया somehow I was just struggling to do, and of course जब आप कोई चीज़ struggle करते हो करने में तो जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं वो आपको जज करने लगते हैं कि आप कितने अच्छे उस काम में, तो नो मैटर आपको पीछे का कितना एक्सपीरियंस है, तो वो स्टार्टिंग का जो फील था इट वॉज लाइक कि आप चाहे एक्सपीरियंस होल्डर हो चाहे फ्रेशर हो, वो ट्रीटमेंट सेम है, फीलिंग सेम आ रही है कि यार इतना एक्सपीरियंस यहाँ पे काम तो आने लगा है तो फायदा क्या है। तो अब 10 दिन ही मैं ऑफिस गया था, 10 दिन के बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, मार्च 25 आई गेस था जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, मैं डेट डालूंगा ठीक है। तो अब घर से काम करने लग गए, मैं गुड़गांव से बैंगलोर आया हुआ हूँ, यहाँ पे मुझे पता नहीं मैं एकदम से 10 दिन में मैं क्या प्रूव कर दूंगा पीपीटी बना के, मैं पूरा घबरा गया, मैं यार क्या होने वाला है, डोंट नो, अभी मैं इधर आया हूँ सब कर कर आके क्या पता नहीं। तो फिर समहाउ मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि यार सब ठीक है, हमें इसी जगह चल रहा है, लोग नेगेटिव इतनी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा मार्केट में फैली हुई थी, किसी की यहाँ जा रही है किसी की वहाँ जा रही है, कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, तो वो इसमें आप मतलब मैं घबरा गया था यार पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो यू लाइक नहीं नहीं हम लोग अभी सेफ जोन में हैं, घबराओ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। देन एक महीना बीता, एक महीने में मेरे को जो पीपीटी का काम आ रहा था वो मैं करके दे रहा था, तो उसमें आर्टवर्क को ही बनाना था, वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो आर्टवर्क की टीम बना के देती थी तो हम उसको यूज़ करते थे। तो जो मेरा ऊपर जो मेरे मैनेजर था ही वाज लाइक कि व्हाई यू वांट समवन एल्स टू वर्क ऑन इट, आप भी ग्राफिक डिज़ाइनर हो आप बना के क्यों लगा रहे हो। ऑफकोर्स आई कैन डू इट बट जस्ट दैट कि मैं फॉलो प्रोसेस फॉलो कर रहा था कि यार पता नहीं वो जब कोई और करके दे रहा है तो पता नहीं आई कैन डू इट और नॉट, तो मैंने कहा नो नो ट्राई इफ दैट वर्क्स आउट वी विल सी, तो मैंने वो बना के दिया एंड दे लाइक्ड इट एंड वो इतना उनको अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे दो चार और भी दिए, अच्छा ठीक है आप ये भी बना के दिखाओ, उन्होंने वो भी बना उनको और पसंद आ गया। तो फिर उन्होंने बोला कि यार पीपीटी छोड़ के आप ये क्यों नहीं बना रहे, आप पीपीटी क्यों कर रहे हो, पीपीटी तो आप बहुत बढ़िया बना रहे हो। नहीं ये तो आप मतलब मेरे मन की बात मेरे से बोल रहे हो, मैं चाह रहा हूँ मैं तो मरा जा रहा हूँ कि आप मेरे से ये आर्टवर्क बनवा लो डिज़ाइन बनवा लो, कहाँ मेरे को पीपीटी में घुसा के रखा हुआ है। उन्होंने बोला कि ठीक है आपको हम इससे बनाओ, हम आपसे ये करवाएंगे। वो तरीके से मेरा शिफ्ट हुआ पीपीटी से आर्टवर्क की तरफ, मैं कभी पीपीटी नहीं मतलब ठीक है कभी मेरा कुछ करना है पर्सनल लेवल पे तो वो मैं कर देता हूँ कभी कभार, बट ऑन दिस प्रोफेशनल थिंग आई थिंक आई कैन नॉट डू, तो वो शिफ्ट था। ओके दिस वाज चैप्टर वन, चैप्टर टू आता है उसके बाद एनिमेशन का, मैंने मतलब ग्राफिक्स के बाद एनिमेशन का भी मेरे को कीड़ा चढ़ा, मैंने एनिमेशन भी बनाया वो भी अच्छा लगा, तो मैं ग्राफिक्स प्लस एनिमेशन दोनों चीज़ें करने लग गया। तो अब अच्छा लग गया सब अच्छा जा रहा है, 3 से 4 महीने बीत गए जी, फिर मेरे को पता चला कि भाई अब आप टीएल बनने वाले हो। तो बायजूस का जो सबसे मतलब अतरंगी बोल सकता हूँ अजीब बोल सकता हूँ मेरे को एक्सपीरियंस लगा वो ये था कि वहाँ पे आपको पीछे कितना एक्सपीरियंस है, ग्राफिक्स में की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी डिपार्टमेंट का अलग अलग हो सकता है, इस डिपार्टमेंट में जो मुझे महसूस हुआ ये था कि आपको ग्राफिक्स मतलब इस ग्राफिक्स में एनिमेशन में जो पहले का एक्सपीरियंस है वर्सेस आपको बायजूस में आप इतने पुराने हो उस पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। अब मैं क्योंकि 4-5 महीने मेरे को हो गए थे तो दे स्टार्टेड मेकिंग मी टीएल। अच्छा बिफोर टीएल की स्टोरी आई वांट टू टेल यू कि जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम जो मेरा टीएल होता था ही वॉज नो कम्प्लीट फ्रेशर और ये उसका पहला नौकरी था, पहला जॉब था जब लाइक फुल टाइम जॉब, इट वॉज हिज फर्स्ट जॉब, एंड क्योंकि ही वॉज लाइक 6 to 7 months ओल्ड और मे बी 8 months, तो वो मेरा टीएल था। तो एक तो ये भी था कि यार एंड टॉप ऑफ दैट ही वॉज जैसे मीडिएटर, रिक्वेस्टर की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई हमको ये चाहिए, हमारी तरफ से और मेरी तरफ से आउटपुट जा रहे हैं, एंड वो ही इज़ लाइक कि यार आप वो उन्होंने क्या बोला उसने मुझे आके बता दिया, मैंने जो दिया वो उसने जाके दे दिया, बीच में जो एक यू नो आपका जब एक्सपीरियंस होता है तो यू नो बट लाइक वॉट यू हैव यू वाई यू हैव यू, मीडिएटर को आप कितना कन्विंस करोगे, एंड देन इट वॉज नॉट दैट लाइक ऐसा मीटिंग वैसे नहीं कुछ टाइम हो रहा था स्पेशली इन वर्क फ्रॉम होम कि नहीं भाई चलो आप घर से आपका जो टीएल आप उसी को कन्विंस कर सकते हो, अगर वो कन्विंस है तो ठीक है नहीं तो ही विल ट्राई टू टॉक, अगर वो कन्विंस कर पाया तो हिज ही तो आपका जो क्रिएटिव का लाइफ है वो डिपेंड करता है आपके टीएल के जो कि जिसका फर्स्ट जॉब है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर। जैसा मैंने बताया वहाँ पे ये था कि आप बायजूस में कितने पुराने हो वर्सेस आपका जो पुराना कितना एक्सपीरियंस है वो सेकेंडरी था, आप बायजूस में कितने पुराने हो उस पर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो द मेक यू टीएल इन विद इन
लाइक वहाँ पे हर 3 महीने में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता, मतलब हो रहा था मेरे साथ, कभी टीम चेंज हो गई, कभी टीएल चेंज हो गया, कभी मैं टीएल बन गया, कभी मैं फिर से नॉर्मल हो गया, ये प्रोसेस चलता रहा। वर्क फ्रॉम होम आ गया, वर्क फ्रॉम होम में आई वॉज ए फुल टाइम टीएल, मैं एनिमेशन का टीम लीड करता था और मैं वहाँ पे बहुत मैंने काम किया, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बहुत सारे लोग मुझे जान गए, मैं बहुत सारे लोगों को जान लिया। एवरी डे मेरे मोबाइल में कम से कम 10 से 15 लोगों को कॉन्टैक्ट में सेव करना था, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम बहुत बढ़िया चला, कोविड में हम लोगों ने बहुत बढ़िया किया। तो जो प्रॉब्लम्स कोविड के टाइम पे जो मैंने स्टार्ट कर दिया था फेस करना, वो ये था कि यार ये लोग इतना मास हायरिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इतना काम नहीं है टीम के पास जितना हायरिंग हो रही है, तो ये थोड़ा सा मुझे खटक रहा था क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट का पार्ट भी बना था। मुझे वो खटकने लग गया था कि यार ये कुछ तो है जो, मतलब मैंने बोला भी, रेज भी किया कि देखो मेरी टीम के पास काम नहीं है, मेरी टीम का नंबर बढ़ता जा रहा है, मतलब लोग बढ़ रहे हैं मेरी टीम में, बट मेरे पास उतना जो डिस्टिंग लोगों ने के लिए काम नहीं है। तो स्टार्टिंग में तो कुछ तो काम आ रहा था, लेकिन बाद में बोल दिया गया कि चलो स्किल बिल्डिंग काम करवा लो उनसे, कोई बात नहीं। अच्छा, ये था फर्स्ट थिंग जो मैंने स्ट्राइक, जो मुझे स्ट्राइक हुआ। तो ठीक है जी, वर्क फ्रॉम होम चलता रहा चलता रहा। फिर आया आपका अप्रैल 2022, मतलब दिसंबर 2021 से ही स्टार्ट हो गया था, अक्टूबर नवंबर से, कि आप लोगों को बुलाया जाएगा, अब आप लोग ऑफिस आने की तैयारी शुरू हो गए। कुछ लोग चले गए, हम लोग, मैं कन्वेंस करता रहा जितना हो सके उतना एक्सटेंशन मिल जाए। तो बट सडनली कहीं कहीं किसी किसी को ये बोला जा रहा था कि या तो आप आओ या तो आप क्विट करो। तो ये दूसरा स्ट्राइक मुझे हुआ कि यार ये भी चीज़ थोड़ा सा मुझे लग रहा है, पहले तो हायरिंग इतने लेवल पर कर ली, अब आप बोल रहे हो या तो आप आओ या तो क्विट कर लो, वो दूसरा स्ट्राइक हुआ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सम हाउ आई मैनेज, आई गॉट एक्सटेंशन टिल अप्रैल। अच्छा, अब मैं अप्रैल में यहाँ, अभी तक सब ठीक जा रहा है, सब कुछ, मतलब मुझे लगा चलो ठीक है, छोटे मोटे चीज़ें हैं ठीक है। अब ऑफिस आने के बाद ये मुझे हल्की हल्की खबर मिली कि यार प्रॉब्लम्स आर देयर एंड पीपल विल गेट शिफ्टेड टू डिफरेंट टीम्स, उसमें मैं भी रहूँगा शायद। तो मैंने कहा इतने टाइम से तो मैं इस टीम में इतना अच्छा कर रहा हूँ, मेरा सपनों का अवार्ड वगैरह सब मिलना होगा, देन वाई दे विल शिफ्ट मी। तो फिर मुझे ऐसा, मतलब उल्टी उल्टी खबर थी, तो ऑफकोर्स आप बस कहाँ से लगा सकते हो। तो फिर मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो फिर वो, मतलब और वो हो भी गया, मैं दूसरी टीम में चला गया। तो फिर दूसरी टीम में जाने के बाद हुआ ये कि खबर है कि भाई 5,000 लोग फायर हो रहे हैं, फ्लोर पे कितने लोग चले गए, इधर से कुछ लोग चले गए, इधर से चले गए। तब मुझे अच्छा, तो मतलब वो टाइम पे या तो मुझे फायर कर सकते थे या मुझे शिफ्ट कर सकते थे दूसरी टीम में, काइंडनेस के चलते, चाहे मेरी जो भी रीजन्स रहे हों एक्स वाई सी, उसके चलते उन्होंने मुझे फायर ना करके दूसरी टीम में डाल दिया। ओके, अब पहला जब वो वेव आया जिसमें फायर लोग हुए, तो यहाँ पे बायजूस में जितने लोग हायर हुए और फायर हो रहे हैं, कोविड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसलिए। कोविड और प्लस बायजूस का जो हायर मैनेजमेंट है, मैं उनको बताऊँगा अभी जो लास्ट का सेक्शन आएगा ना, मैं उसमें बताऊँगा कहाँ कहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हुई, जो मुझे बहुत ज़्यादा लेवल पर महसूस हुई, मतलब वो नहीं होनी चाहिए थी और वो हुई। अब अफकोर्स देट विल बी माई ओन परस्पेक्टिव बींग इनसाइडर। तो अच्छा, तो ये जो चल रहा था वो एक वेव में 5,000 लोग चले गए, तो कोविड था जिसकी वजह से इतना मास हायरिंग हुआ, इतने लोग हायर हुए, तो उनकी जॉब बची रही, दे गॉट पेड। एज ए टी एल आई न्यू देयर वेयर पीपल, मतलब एज ए टी एल मुझे पता था इतने लोग हैं वहाँ पे जिनको, जो लोग लिटरली मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं, और वो इट्स नॉट कि एक महीना या 10 दिन का या एक महीने का, दे वेयर टेक, मतलब मैं कुछ लोगों को तो ऐसे भी जानता हूँ जिन्होंने 4-4, 5-5 महीने बैठ के फ्री की सैलरी उठाई, दे डिड नथिंग, 0-1, ठीक है। अब अगेन दिस इज पार्ट ऑफ द मिसमैनेजमेंट, वो मैं इसके लास्ट में आता हूँ। पहली वेव आई, 5,000 लोग चले गए, और ठीक है जी, अब वो दिमाग में बैठ गया। फिर आ गया कोई न्यूज़ आई कि नहीं भाई अब पैरिंग नहीं होगी, अगले 6 महीने तक आप लोग काम करो। तो मैं हल्का हल्का जॉब कर रहा था, मैंने वो स्ट्रॉन्ग कर दिया कि चलो भाई इससे पहले कि ये हो जाए मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो मैं ट्राई इधर उधर कर भी रहा था। तो मैं घर पे भी मैंने अपने ये बोल के रखा था यार देखो मेरे से जॉब वॉब अभी नहीं हो पा रहा है, मैं जिस सम हाउ मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं शायद, मतलब स्ट्रगलिंग है टू डू, मैं शायद हो गया है मेरा जॉब वाला चैप्टर, मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या है, बट कहीं ना कहीं है मेरे दिमाग में, एक मेरा भी था वो फैक्ट मेरे दिमाग में। अब एक तो वेव आगे लोग चले गए, दूसरा मेरे दिमाग में वो भी है। फिर विद इन 2-3 मंथ्स वो फिर से वेव आ गई, फिर से वो न्यूज़ आ गई, फिर से लोग फायर हो रहे हैं। तो पता है पहली बार जब फायर हुआ तब ये था कि यार पता नहीं मैं लिस्ट में हूँ या नहीं, वो चीज़ दिमाग में रख के आप काम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट परफॉर्म, कि यार पता नहीं मैं आज हूँ या कल, आज हूँ कल शायद नहीं हूँ।
पहला दिन तो मैं सर्वाइव कर लेकिन दूसरी बार हुआ मतलब उन्होंने मुझे बोला तो नहीं बट वो मतलब दिमाग में इतना ज़्यादा भर गया हुआ था कि यार मैं इसको डर को लेकर दिमाग में काम नहीं कर सकता, लेट्स बी इट, चाहे मेरा नाम है लिस्ट में चाहे नहीं है, आई विल क्विट। ये मेरा डिसीजन था एंड दिस इज हाउ एंड व्हाई आई वाज लाइक यार ठीक है जूनियर जब मिलेगी तब मिलेगी, एनीवे मैं अगर नहीं भी मिल रही है तो मैं शायद उसमें इतना 100% अपना दे भी नहीं रहा क्योंकि मैं कभी जॉब वॉब को लेकर इतना सीरियस फिलहाल नहीं हूँ। आई नीड सम टाइम फॉर माई सेल्फ टू थिंक थ्रू टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। अच्छा अब आते हैं जो बायजूस का मिसमैनेजमेंट था जो मुझे लगा जो नहीं होना चाहिए था कायदे से जो हुआ। नंबर वन मास हायरिंग विदाउट चेकिंग विद टीएल्स और मैनेजर, क्योंकि जो इंटरनल लोग हैं इंटरनल टीम छोटी छोटी टीम है उनसे आप पूछते हो आपको पता भी होता है कि मैनेजर को मेरी टीम के पास कितना काम है वर्सेस मुझे कितने लोग चाहिए हैं। जितने लोग हायर हो गए हैं जैसा मैंने बताया कितने लोग एक मैं मेरी टीम में कुछ लोग जिनको मैं जानता हूँ फ्री की सैलरी उठाई, उसके बाद ऐसे कितने लोग कितनी टीम में रहे होंगे, ठीक है इतने लोग को शायद नहीं ज़रूरत थी हायर करने की। मतलब मैं किसी के हायरिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, आप हायर हुए आपने क्रैक किया रियली टेक दिस टफ प्रोसेस आई नो, बट जो लोग झेल रहे हैं वो भी अगेन उसी का हिस्सा है तो मुझे कहना पड़ रहा है फायरिंग वाला पार्ट जो लोग झेल रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग। नाउ कम्स टू द एड वाला पार्ट। मेरे घर पे मेरे दो बच्चे हैं और वो एड मतलब मोबाइल में जो भी देखते हैं किड्स रिलेटेड उस पर हर दूसरी तीसरी एड इज़ बायजूस। बायजूस का मैंने किसी ने तो डाला था यूट्यूब पे पूरा मतलब सर्वे जो डिलाइट के साथ अभी जो रिसेंट इन लोगों ने जो बजट अपना या फाइनेंसर जो भी चल रहा है जो मैंने दिया था एड पे जो रेवेन्यू खर्च हुआ वो मैं समझ गया था कि कितना एग्रेसिवली ये लोग खर्च कर रहे हैं थिंकिंग कि इससे हमारा हम लोगों के पेरेंट्स के दिमाग में घुसेंगे एंड दे विल बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम अस। अब मेरा सवाल यह है कि जो बच्चे हैं मेरे दो, एक 2 साल का है एक 4 साल का है, मैं बायजूस का हूँ, वाई वुड आई नीड लाइक मैं क्यों खरीदूंगा बायजूस का, दिस वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन कि टारगेटिंग तो यहाँ पे गलत है कि ये मतलब पता नहीं अगर वो इस तरीके से अगर वो नहीं बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है 2 बार 4 बार में तो ऐसा कुछ तो है ना कि वो नहीं जिनको हमने 2 बार 4 बार ऐड दिखा दिया उनको ऐड नहीं दिखना चाहिए, आई बिलीव ऐसा फंक्शन है, मैंने 2 बार ऐड चलाया तो मुझे थोड़ा बहुत पता है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि जो नए नए टेक्निक्स मार्केट में आए हैं जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पॉडकास्ट और चीज़ें हैं, अगर आप बायजूस का यूट्यूब का कंटेंट देखो जो इस पर व्यूज़ आए हैं और जो लोगों ने बायजूस के प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज़ किया है उस पर जो व्यूज़ आए हैं तो जो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया उस पर ज़्यादा व्यूज़ हैं वर्सेज़ कि जो बायजूस की इतनी बड़ी आर्मी जिस पर लगी हुई है प्रोडक्ट बनाने में उसको अपलोड करने में, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग या पोजीशनिंग कुछ तो मिस है। मुझे लगता है कि जो अभी मेन मार्केटिंग चल रहा है बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में, वाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे क्यों इतना डिपेंडेंट हो भाई, थोड़ा तो कुछ तो चेंज करो अगर कहीं एक चीज़ काम कर रही है या कर भी रही है तो अभी ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो वो मुझे लगा कि एड वाला पार्ट थोड़ा चेंज हो सकता था। हम लोग ठीक है बीइंग बायजूस हम लोगों ने बहुत अचीव किया, ICC को स्पॉन्सर किया, नाउ फीफा को कर रहे हैं गुड अमेजिंग, बहुत सारा फंडिंग गया होगा विच आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू गेट जस्टिफाइड वर्सेस उससे कितना बिजनेस आएगा फीफा से हम लोग इंटरनेट, क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे ये लगा कि यार ब्रांडिंग तो हो जाएगी ब्रांड हो जाएगी ठीक है बट इस एट दिस स्टेज ब्रांडिंग का मतलब बीइंग 10 to 20 year old कंपनी 10 to 15 year old कंपनी आई गेस 2007 में 5 से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो 2011 से फुल फ्लेजेडली दे गॉन लाइक अभी 2023 चल रहा है तो आप कम से कम 10 से 12 साल पुरानी कंपनी हो, इतना एग्रेसिवली ब्रांडिंग पे आई डोंट सी अ पॉइंट कि मतलब पता नहीं हो सकता है मैं गलत भी हूँ बट मुझे नहीं लगता कि इतना यार इतना एग्रेसिव होकर ब्रांडिंग पे स्पेशली स्पेसिफिकली खर्च करना मेक सेंस स्पेशली जब आपके प्रोडक्ट इतना परफॉर्म नहीं कर रहे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार वो एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग रिस्क एंड उसका इम्पैक्ट किसको भुगतना पड़ रहा है मतलब लोग निकाले जा रहे हैं लोग छोड़ रहे हैं खुद बायजूस भी भुगत रहा है बीइंग अ मार्केट लीडर इन द मार्केट जिस तरीके का आउटकम अभी चल रहा है मार्केट में। और मुझे मैनेजमेंट से कोई गिला शिकवा नहीं है क्योंकि मैं आई वॉज प्रिटी गुड मैं अपनी बातें रखने में कन्विंस करने में आई वॉज प्रिटी मैं रखवा लेता था भाई जो मैं इतना था नहीं कि नहीं भाई जो मैनेजमेंट ने बोल दिया मैंने कर लिया
मेरे से नहीं हुआ और मैंने वही किया जो मुझे लगा करना ठीक है। बहुत लोग आए मैनेजमेंट का नाम लेके कि भाई उन्होंने बोला आप ये करके दे दो, भाई इतने से तुम ऐसे गन दिखा के मेरे से काम मत करवाओ, काम हो जाएगा बिना नाम लिए आप काम बोलो मैं काम कर दूंगा, लेकिन ऐसे गन दिखा के बोलोगे उस आदमी ने बोला तो बिल्कुल नहीं करूँगा। ये मैंने अपना स्टैंड लेकर के रखा, इस तरीके से मैंने काम किया। तो ये रीजंस जो मैंने बताए मिसमैनेजमेंट और जो नेगेटिविटी फैली हुई है मैं नहीं झेल पाया, मुझे लगा यार मैं नहीं झेल पाऊंगा, और कहीं ना कहीं ये बिग रीज़न मुझे लगता है मुझे अपने लिए भी कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अभी बहुत टाइम हो गया जॉब में, बहुत कुछ कर लिया है मैंने जॉब में यार। 2007 से मैंने अपना करियर शुरू किया था और पिछले मतलब ट्राई तो मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ, मैं खुद का कुछ ट्राई करूँ बट क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। गुड़गांव में था, कम्यूटिंग का टाइम 2.5 घंटा मॉर्निंग में 2.5 घंटा शाम को जाता था, तो वहाँ नहीं हो पाया। घर आके भाई इतना थक जाओगे, 5 घंटे उधर जा रहे हैं, 8 घंटे 13 घंटे उधर, मतलब सुबह 7 बजे उठ के मैं शाम रात को 9 बजे घर आता था, तो फिर 12 बजे सो जाती थी, सुबह जल्दी उठने तो वो टाइम नहीं था। और फिर यहाँ पे आकर के घर से वर्क फ्रॉम होम में काम इतना ज़्यादा था, टाइम नहीं मिला, और जब टाइम मिला तो मैं खुद आलसी हो गया था, तो मैंने किया ही नहीं कुछ, क्योंकि मतलब 2-4 महीने मुझे वापस यहाँ पे आना है, वो ट्राई किया थी वो हो गया मेरा वर्क फ्रॉम होम टाइम, तो वो भी नहीं हुआ। यहाँ पर भी आके ट्राई किया अभी तक नहीं हुआ, तो बट ठीक है, इट्स अ गुड टाइम एंजॉइंग दिस बीइंग जॉबलेस और टाइम टू एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट समथिंग एक्स्ट्रा, जिसके लिए मेरे पास अब टाइम ही टाइम है। तो यस ऑफ कोर्स इट्स नॉट आई मीन फैमिली को साथ लेकर के जॉबलेस होना नॉट अ गुड साइन, लेट्स सी हाउ वेयर इट लैंड्स। सो अगर आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है जो उसकी ज़रूरत नहीं थी या थी, आपको लगता है कुछ आपके काम आए काम का है नहीं है, एंड एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा, इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन बायजूस, वेदर यू वॉन्ट टू ज्वाइन, अगर आपके पास ऑफर है, और क्योंकि अगर आप थोड़ा हायर सैलरी भी होना, हायर सैलरी से मेरा मतलब है अगर आप 7-8 7 लाख से ऊपर होना 7-8 तो मत जाओ, बायजूस इज नॉट द प्लेस फॉर एक्सपीरियंस होल्डर्स, क्योंकि वहाँ पर आप मैनेजमेंट तक जाके देखोगे तो बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अंडर एज हैं, अगर कंफर्टेबल वर्किंग विद देम, बट अगेन वो सैलरी वाला फैक्टर है, सैलरी वाला बहुत तगड़ा फैक्टर है वहाँ पे। तो अगर आप कंफर्टेबल हो ये सबके साथ तो प्लीज़ गो, यंग है वहाँ का कल्चर, ब्रो ड्यूड ये सब चिल माहौल था, बहुत बढ़िया था। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है मैनेजमेंट के खिलाफ, बट हाँ जो ये मार्केटिंग टीम है जिन्होंने ये ब्लेंडर किया है, मुझे नहीं पता किसका मतलब स्कूल खुल गए तो इसका मतलब ये नहीं हो, स्कूल के पहले भी, स्कूल खुलने के पहले भी बैजूस वॉज अ ब्रांड, लोग जानते थे, इसका अच्छा खासा नाम था। पेंडेमिक आया, वी हिट ऑल द हाइट्स, नाउ वी आर लाइक स्ट्रगलिंग, लाइक बहुत सारी कंपनी जो बंद हो गए, एग्रीड, बट ऐसा नहीं है कि इंटरनल कुछ गलतियाँ नहीं हुई, जो गलतियाँ मुझे लगी मैंने बताई, और भी गलतियाँ हुई होंगी। तो आई गेस दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।